दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। पुलिस कमिश्नर कोतवाल साहब से भी कहना चाहेंगे, हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर से भी कहना चाहेंगे, भिजाओ पुलिस को, दिल्ली को लेके आओ मोहतरमा को, कुछ तो करो भाई। खाली FIR से क्या होगा, ये कम से कम बोलो तो सही, हम जाने वाले हैं। जब साइबराबाद की पुलिस महबूब नगर के MLA जिसका नाम श्रीनिवास गौड़ को कत्ल करने के सिलसिले में BJP के साबिका MP के घर में कूद कर दिल्ली में वहां से एक एक्यूज को ला सकती है, तो आप नहीं ला सकते। ये लाना चाहिए, आपको लाना चाहिए, मगर कैसे खड़े होना है, अपने आप में एक इनकलाब पैदा करना। अगर कोई हमारी बच्चियों से कहेगा हिजाब निकाब चादर ये मॉडर्निटी की निशान नहीं है, तो आप कहना खाक में मिल जाए मॉडर्निटी। मैं हिजाब को नहीं छोड़ूंगी, मैं निकाब को नहीं छोड़ूंगी, मैं चादर को नहीं छोड़ूंगी। जिस्म की तरह है और वो दिल जो है ना वो हमारा प्रॉफिट मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मेरी उंगली पर चाकू मारो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, रोऊंगा। आप मेरे पैर को मारो, मैं तकलीफ महसूस करूंगा। आप मेरे जिस्म के हिस्से को जलाओ, मैं पुकारूंगा। आप मुझे मारो, मैं तकलीफ का इजहार करूंगा। मगर जब आप मेरे दिल के पास आएंगे, मैं बोलूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर दिल को आग लगाने नहीं दूंगा। ये मामला है, ये समझने की जरूरत है हमारे अहले वतन को भी। हमारे जिस्म के हिस्से को तो आपने छोड़ा नहीं, ये दिल है हमारा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का दिल है, हम मुसलमानों के जान है। और इसीलिए तो सहाबा कराम फरमाते थे, कैसा फरमाया रसूल अल्लाह सल्लम, अर्ज करते थे कि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात हमको समझना है, ये बात हमारे दीगर अपनाए वतन को भी समझना है। आप हमारी उम्मत की माओ के खिलाफ अनाप शनाप बकेंगे, बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला के बारे में अल्लाह ने पूरा सूरह नूर को नाजिल किया। बीबी आयशा आलिमा थी, ये दिल को छूने की इजाजत नहीं देंगे आपको। ये हमारा मामला है, आप इसको समझ जाओ। तो खैर वो बड़े मुतासिर हुए और बोले कि मैं ठीक है उसी साहब, आपसे कांटेक्ट में रहूंगा, मिला जरूर रहिए। मगर ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको भी मालूम हो जाए, हमारे नौजवान मुसलमानों को मालूम ही नहीं। उन्हें बोल दी तो क्या है, अरे मेरे दोस्त पढ़ो ना पढ़ो, ये दीन तुम, ये इस्लाम का तकाजा क्या है, पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ते ही नहीं। अगर एक दिन सेलफोन बंद हो गया ना, या एक दिन वाईफाई बंद हो गया, यकीन मानो कई नौजवानों को सर में और पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। अरे नहीं आ रहा, अरे आए नहीं, अरे क्या है रे भाई, इंस्टाग्राम मेरा चला गया, व्हाट्सएप चला गया, अरे मेरा वो लाइक्स नहीं आ रहे, मेरे इतने लाइक नहीं आए, स्नैपचैट में ऐसा हो गया। तुम्हारे लाइक क्या होना चाहिए, ये फरिश्ते बैठे हुए तुम्हारा हिसाब किताब लिख रहे हम सबका। तुम उसकी लाइक की फिक्र मत करो, उसकी लाइक की फिक्र करो। और अल्लाह की सबसे ज्यादा किसको पसंद करता, अल्लाह और फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते। तो तुम इसको लाइक करोगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल करोगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों नौजवानों, आप मुस्तकबिल हैं कौम के, आप मुस्तकबिल हैं भारत के। अगर आप खुद ही बेराहरावे की जिंदगी गुजारेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप इन चीजों पर गौर करिए, मस्जिदों को जाइए, किसी भी मसलक के आप हैं आप रहिए, आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, तबलीगी हैं, अहले हदीस हैं।